अरे कर तुम भाई लाल जी बाबू अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। लाल जी बाबू अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। खादर का प्रथम पुण्यतिथि है और मैं अपने खादर इन लोगों का यहाँ कचहरी में, पुराने कचहरी में मना रही हूँ। उनका ये कर्म भूमि और धर्म भूमि है, कहीं ना कहीं हम लोग को भरण पोषण खादर इन लोग यहीं से किए। हमारा कर्तव्य है कि यहीं से हम मनाएं। हम कोशिश करेंगे कि उनके बताए गए आदर्शों पर चलें और हर साल यहीं पे उनका पुण्यतिथि मनाने के लिए कोशिश करेंगे और संकल्प ले रहे हैं कि हम हमेशा उनके आचरण को मार्गदर्शन पर चलें। हमारा नाम दुर्गावती कुमार। पहले वर्तमान में अध्यक्ष हूँ। लालजी बाबू हमारे अधिवक्ता संघ के सदस्य थे। हम लोग जिस टेबल पर बैठते थे उसी पर लालजी बाबू बैठते थे। लालजी बाबू बड़े संत स्वभाव के थे। उनका 50वां बरस पर तीन दिसंबर को मनाया गया और उन्हीं के मृत्यु पर हम लोगों ने उद्घोषणा की थी उनके मृत्यु के पहले कि 50,000 रुपया 3 दिसंबर को जो मरेगा 3 दिसंबर के बाद उसको 50,000 रुपया दिया जाएगा। पहला आदमी है लालजी बाबू कि इनकी पत्नी को 50,000 रुपये का अनुदान बार कौन अथी से अधिवक्ता संघ से दिया गया। उसमें मैं भी इनको जाकर वहाँ पर इनके हाथ से दिया कौन 50,000 रुपये का अनुदान दिया और ऐसे इनका हम व्यक्तित्व कर्तित्व पर जानते हैं कि 50 वर्ष प्रैक्टिस किए थे और ये सभी से मिलनसार व्यक्ति थे। इनका व्यक्तित्व काफ़ी उज्ज्वल था। इनका पारिवारिक जीवन काफ़ी अच्छा हो, इनकी आत्मा के शांति के लिए हमेशा हम लोग प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद। तिथि समारोह एडवोकेट एसोसिएशन पुराना कलेक्ट्रेट परिसर में मनाया जा रहा है। बाहर के हमारे वर्तमान अध्यक्ष रामाधार सिंह अध्यक्षता कर रहे हैं। मैं अपने बार के अध्यक्ष रामाधार बाबू से मांग करता हूँ कि 50 वर्ष प्रैक्टिस पूरा करने के बाद जो उनकी मृत्यु हुई वैसे अधिवक्ता लालजी बाबू के स्मरण में जो गांधी और संत के मसीहा के रूप में जाने जाते थे विधि व्यवस्था हम अध्यक्ष से मांग करते हैं कि उनकी आदमकद प्रतिमा लगाई जाए कि आने वाले अधिवक्ता उनसे प्रेरणा ले।